बात नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की, जो लगातार आरजेडी और जेडीयू पर हमलावर है। मोकामा उपचुनाव को लेकर उनका मानना है कि आरजेडी की हार तय है और अनंत सिंह को इस बार शिक्षक मिलेगी। आपको बता दें, अनंत सिंह को इस बार शिक्षक मिलेगी, ऐसा उनका दावा है। और वहीं विजय सिन्हा ने एक बड़ी मांग कर एक बड़ा निशाना साधा है। उनका कहना है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से बात की है हमारे एडिटर बिमलेंदु मिश्रा ने, देखे इस रिपोर्ट को। मौजूद है विजय सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, क्या कहेंगे सर? भारत रत्न में शामिल करने की बात कर रहे हैं, बिहार के नव निर्माता और औद्योगिक क्रांति के किसानों के सबसे बड़े हितैषी श्री बाबू के लिए कोई भी रत्न कम पड़ेगा और लोगों की भावनाओं का सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी ने शताब्दी वर्ष समारोह में अपने उद्गार में किया है। बिल्कुल, तीन बार श्री बाबू के अपने भाषण के क्रम में संबोधन किया कि बिहार के सबसे बड़ी बिहार के निर्माता के रूप में बिहार के श्री बाबू पढ़े, इसलिए प्रस्ताव जाएगा। निश्चित तौर पर बिहार सरकार प्रस्ताव भेजेगी, निश्चित तौर पर गंभीरता से कार्य में बड़े भाई छोटे भाई का नेतृत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी जब जब आई तो एक प्रयास किया वातावरण बनाने का, लेकिन बड़े भाई का तो कमाल था, जंगल राज से मतलब था जी जी। और छोटे भाई बड़े भाई के मोह फांस में फंसे हुए थे। इन्होंने 13 में बीजेपी से हटके 5 साल उस समय बिहार को गरगलाए और ये आदमी विकास से ज्यादा अपनी पर्सनालिटी निखारने में समय लगाए। और कई मंत्री इनके बारे में जब कहता था कि ये सुनते नहीं है तो लोग हंसता था। आज आरजेडी के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा जब उन्होंने कहा कि हमको चोरों का सरदार बना दिया है और मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, अंतिम में उनसे रिजाइन ले लिया। सर, मोकामा में चूंकि मैं रहा हूँ, आपने वहाँ भी कैंप किया है, मोकामा गोपालगंज क्या लग रहा है? दोनों विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं, जिसको मन में शंका सुबह है वो समय पर मिट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है विजय सिन्हा।